नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्यों इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरी आशा करती हूं कि आप सब अपने अपने जगह पर, अपने अपने घरों पर बिल्कुल सुरक्षित होंगे, आपके परिवार के सदस्य सब सुरक्षित होंगे, बच्चे सब सुरक्षित होंगे और सेहतमंद होंगे। क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा दौर चल रहा है और हम सबको एहतियात बरतनी है। और अगर बात करें दिल्ली NCR की, महाराष्ट्र की, बिहार की, यूपी की, तो यहाँ पर बाकी क्षेत्रों के मुकाबले जो हैं वो ज़्यादा आंकड़े जो हैं कोरोना पीड़ितों के नज़र आ रहे हैं। ना जाने कितने लोग हमसे बिछड़ चुके हैं इस दौरान। तो बस आपको अगर इस तरह से कुछ दिखता है, कोई सिम्टम दिखता है, तो प्लीज़ आप पहले से ही दवाई लेना शुरू कर दीजिए ताकि बाहर हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी, तो इसका रीज़न यही है कि मैं खुद कोरोना ग्रसित हो गई थी। 14 डेज तक मैं घर पे ही आइसोलेट रही। भगवान की दया से और आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की वजह से मेरे को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। मेरे सिम्टम्स जो थे वो थे फीवर, और उसके बाद मुझे अपना जो है टांगों में दर्द शुरू हो गया, और उसके बाद मुझे स्मेल आना बंद हो गई थी। तो ये 3 सिम्टम्स थे मेरे, और इन 3 सिम्टम्स के बाद जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुई तो मैंने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया था। तो आप भी ये बिल्कुल जहन में रखिए कि कभी आपको ये नहीं सोचना है कि हाय मेरा ये सिम्टम निकल गया, हाय मेरा तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गया, मेरा क्या होगा। आपको यही सोचना है कि भाई मुझे काढ़ा पीना है, मुझे स्टीम लेनी है, मुझे गागल करने हैं, और बस अपना हाइजीन मेंटेन रखना है। और अपने आप को घर में बिल्कुल अकेला कर दीजिए। जो भी सामान है वो आपके कमरे के बाहर रख दें, या फिर आप किसी से सहायता ले सकते हैं तो आप सहायता लीजिए। लेकिन हाँ, आप कोशिश कीजिए कि ये इन्फेक्शन जो है घर में बाकी सदस्यों तक ना पहुँचे। ज़्यादा थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस बीच बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं जो मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो वो ये थी कि जैसे हम शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं कि ये आपदा है तो आपदा को अवसर बनाना है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त ये चीज़ें जो हैं वो बेमानी लग रही होंगी, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के सदस्य छोड़कर उनको हमेशा के लिए चले गए। ऐसे में अगर आप अवसर की बात करें तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैं बीमार थी तो क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 3 सदस्य हैं और उनमें से किसी को खाना बनाना या फिर वो इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि इस वक्त लोगों ने अपॉर्चुनिटी बनाई है इस आपदा को, वो थी टिफ़िन सर्विस की। तो टिफ़िन सर्विस के ज़रिए मेरे को खाना मिलता था, और ये टिफ़िन सर्विस मैंने देखा है कि आपको, जितना मैंने एनालाइज़ किया वो ये कि टिफ़िन सर्विस में ज़्यादा आपको लागत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं टिफ़िन सर्विस की बात करूँ तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आपको ऑर्डर आएगा आपको तभी सब्ज़ी खरीदनी है, तभी आप बनाएंगे, तो आपका वेस्टेज नहीं होगा। और आपको एक प्रॉपर तैयार करना है कि भाई इतना मील मैं इतने में दूंगा, तो ऐसे में कोई भी कस्टमर आपसे मोल भाव तो कर ही नहीं सकता। और अगर आप इसकी मार्केटिंग की बात करें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सर्कुलेट कर सकते हैं, पैम्फलेट छपवा सकते हैं, ऑनलाइन इसका आप जिक्र कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। क्योंकि इस कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग टिफ़िन सर्विस जो है वो शुरू की है उन्होंने। हालांकि मुंबई जैसे शहरों में ये बहुत पहले से चल रही है, लेकिन दिल्ली NCR में इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। लेकिन अभी इस बीच ये सर्विस बहुत ज़्यादा शुरू की गई है। और क्योंकि 14 दिन का क्वारंटीन होता है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता आप तो। और क्योंकि अब लोग स्विगी या जोमेटो या फिर ऑनलाइन इस तरह के आउटलेट से मंगाने से भी परहेज़ कर रहे हैं, घर का खाना ही खाना बेहतर समझ रहे हैं, चाहे फिर वो टिफ़िन सर्विस ही क्यों ना हो। तो ऐसे में आप भी टिफ़िन सर्विस शुरू करने की सोच सकते हैं। आपका घर अगर ऐसे एरिया में है जहाँ पर PG वाले ज़्यादा रहते हैं, या फिर जो लोग सिंगल रहते हैं, या फिर जिनके घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो खाना बना सके, तो आप वहाँ पर ये बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। दूसरा बिज़नेस जो इस दौरान मुझे लगा वो था टैक्सी का विद ई पास। क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना या फिर लॉकडाउन के दौरान आप बाहर निकलते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, आपके पास ई पास नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई ड्राइवर ई पास बनवा लेता है और उसको परमिशन मिल जाती है एक शहर से दूसरे शहर तक जाने की, या फिर लॉकडाउन के दौरान किसी असेंशियल चीज़ को लेने की, या फिर किसी भी तरीके की,
तो आप उस ई पास की मदद से अपने कस्टमर को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए, ये दो तीन चीज़ें थी जो मैंने रियलाइज़ की और मुझे लगा कि आपको बताना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जान, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये थी वो तमाम बातें जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी हेल्थ, आपकी सेहत, आपकी जान, क्योंकि जान है तो जहान है। तो याद रखिए, सबसे पहले आप आते हैं और उसके बाद पैसा आता है, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि सेहत ही सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस दौर को हम यूं ही निकल जाएंगे। थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो ये भी परमानेंट नहीं रहेगा। और बी ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव रहना बेहद ज़रूरी है, पॉजिटिव रहिए। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।